खबर है हरियाणा के हिसार की, जहां चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में बीती रात रात्रि ठहराव के लिए कंवरपाल गुजर पहुंचे। कंवरपाल सिरसा में स्नेह लता चौटाला के श्रद्धांजलि में पहुंचने से पहले यहां रुके। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कारवाल गुजर ने कहा कि मुख्यमंत्री को यात्रा में भारी समर्थन मिल रहा है। मुख्यमंत्री प्रतिदिन लगभग 6 विधानसभा क्षेत्र करते हुए लगभग 18 से 20 जनसभाएं कर रहे हैं। कंवरपाल ने कहा कि जन समर्थन को देखते हुए पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है उससे ज्यादा का आंकड़ा पार करेगी। हुड्डा और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अब केवल नाम ही रह गया है, कांग्रेस के अंदर ही कितनी कांग्रेस बन चुके हैं, वहीं केंद्र में ही कांग्रेस निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, ऐसे में कांग्रेस का होगा क्या, यह तो भगवान ही जाने। कंवरपाल गुर्जर ने हुड्डा की नई पार्टी बनाए जाने की आशंकाओं पर बोलते हुए कहा कि यदि हुड्डा कांग्रेस से अलग होते हैं तो वोट भी बांटेंगे और जो हाल इनेलो जेजेपी का है वही कांग्रेस का भी होगा। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 से हटाए जाने के बाद दुष्यंत चौटाला और हुड्डा के बयान समर्थन में होने को लेकर उन्होंने कहा कि देश पार्टी और व्यक्ति से बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की परंपरा बननी चाहिए ताकि पार्टी भी देश हित के फैसलों का समर्थन करे। जिस भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा चल रही है मुख्यमंत्री जी अभी लेकर के चल रहे हैं, तो किस तरीके का बदलाव इसमें आता है? देखिए, इस यात्रा में बहुत जबरदस्त समर्थन हर जगह पे मिल रहा है और मुख्यमंत्री जी रोजाना लगभग 18-20 जनसभाएं, कई बार इससे भी ज़्यादा जनसभाएं संबोधित करते हैं। डेली 6 कॉन्स्टिट्यूंसी करते हैं और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-4-5-6 तक कार्यक्रम होते हैं और जिस प्रकार का जनता का समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है उससे स्पष्ट दिखता है कि जो टारगेट पार्टी ने रखा है पार्टी उससे आगे जाएगी, उससे भी ज़्यादा सीटें प्राप्त करेगी। राजनीतिक उठापटक का दौर जारी है और कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव का संकेत मिल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले दिनों अपना सब कुछ प्रदर्शन कर चुके हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो अलग झंडा बुलंद करेंगे, तो क्या मानते हैं किस तरीके का बदलाव इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से? देखिए, कांग्रेस में खाली नाम ही नाम कांग्रेस रहेगा, कांग्रेस के अंदर ही कितनी कांग्रेस हैं, हर आदमी ने अपनी अलग अलग कांग्रेस बना ली है, अब कहीं कांग्रेस इकट्ठी नज़र नहीं आती, कहीं तंवर की कांग्रेस है, कहीं हुड्डा साहब की कांग्रेस है, कहीं शैलजा की कांग्रेस है, कहीं सुरजेवाला की कांग्रेस है, यानी कि जितने आदमी हैं उतनी कांग्रेस आ जाएँ और कोई एकता कहीं नज़र नहीं आती। ऊपर भी जो नेतृत्व है वो भी कोई निर्णय लेने की स्थिति में मुझे लगता नहीं है कुछ है, तो ऐसे में कांग्रेस का क्या होगा ये तो भगवान ही जाने क्या होगा। और अगर वो इस प्रकार का निर्णय लेते हैं कि वो पार्टी से अलग होते हैं तो मैं समझता हूँ वोट तो वही है, वोट डिवाइड होगा और कोई कांग्रेस की अच्छी पोजीशन नहीं रहेगी। जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल की अभी आपने देखा है जो हालात बने हैं, तो ऐसी ही हालत कांग्रेस के भी बनने वाले हैं। 370 के बाद पार्टी लाइन से हटकर भी नेताओं ने बयान दिए हैं, वो पक्ष में आए हैं जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी पार्टी लाइन से हट करके उन्होंने बयान दिया, दुष्यंत चौटाला ने भी इसका समर्थन किया है, किस तरीके से? देखिए, उसका हम स्वागत करते हैं, उन्हें बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रहित में हमेशा जो भी बात होती है वो पार्टी से ऊपर उठ के होनी चाहिए। देश सबसे बड़ा है, पार्टी और व्यक्ति बहुत छोटे हैं देश के सामने, और राष्ट्रहित की अगर कोई बात है तो वो निश्चित तौर से हर आदमी को बोलनी चाहिए और अगर इस प्रकार की परंपरा बनेगी तो निश्चित तौर से जो लोग गलत तरीके से वोट के लिए या कुछ बात सोचते हैं तो वो फिर घबराएंगे इससे, इस तरीके की पार्टी निर्णय लेने से घबराएगी, तो निश्चित तौर से इससे मजबूती भी लगी। मैं उनका स्वागत करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, हुड्डा साहब ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और लोकदल ने भी अगर वो निर्णय लिया है या जजपा ने भी निर्णय लिया है तो जितनी पार्टियों ने इसका स्वागत किया है वो अच्छी बात है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।